व्यापारी भाइयों नमस्कार। पद्मचंद जी गुप्ता साहब से साक्षात के बाद राजलक्ष्मी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के कर्ताधर्ता श्री राजेश कुमार जी सिंगल साहब से साक्षात करने आया हूं, जिनको पप्पू जी के नाम से बाजार में जाने जाते हैं। सिंगल साहब नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। क्या है सिंगल साहब? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके चाचा श्री से पद्मचंद जी से साक्षात्कार करके आया हूँ जी। तो मैंने कहा भाई पप्पू से भी देखो पर सिंगल साहब का है, तो बोला पप्पू भाई पप्पू तो आपके होंगे, भारत सिंगल साहब है जी जी जी। तो आपको वैसे पप्पू के नाम से ज्यादा जाना जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जरा सा सिंगल साहब आप करता धरता जैसे उन्होंने बताया जी जी, तो इसके बारे में जरा सामाजिक के बारे में तुमने बता दिया, सेवा के बारे में बता दिया जी। आप ये बताइए कब से शुरू किया है राजलक्ष्मी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड जी? कब से शुरू किया, कैसे किया, आप कब से जुड़े जी, और आपका संबंध क्या रहा, कैसे रहा जी, इसके बारे में सिंगल साहब पूरा आपको बताइए आप। जी जी जी। पद्मचंद गुप्ता जी मेरे चाचा हैं, ठीक है, और मैं उनसे सन 85 से ही, उससे पहले ही जुड़ा हुआ हूँ। अलवर से ही मैं, अलवर में सन 80 में पढ़ा था, अग्रवाल छात्रावास में रहा था। जब ही मेरे साथ चाचा जी ने बहुत प्रेम दिया, मुझे पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। फिर मेरा अपना बिजनेस भी था जोहरा, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में जोहरा का मैं रहने वाला हूँ। नरेंद्रलाल जी? हाँ जी, हाँ जी, नरेंद्रलाल जैन जी जो मेरे बाबा लगते हैं गांव के हिसाब से, उन्होंने मुझे बहुत संरक्षण में रखा, उनसे हमको बहुत सीख मिली, और वो भी नए बाजार में उन्होंने बहुत पुराना काम किया हुआ है। मेरे पर पूरी है। हाँ जी, हाँ जी, आपका जो कहते हैं कि अपने गुलचा साहब बाजार में बहुत समाज का काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई भी काम हो मेरे लायक उनके लायक बताना। मैंने कहा ठीक है बाबा साहब। तो पद्मचंद गुप्ता जी के साथ मैं यहाँ 2005 में इनके साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ, और राजलक्ष्मी कॉमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड का छोटा मोटा काम जो कर रहे हैं, जो भी सामान्य माना तो भगवान है, हम तो इंसान है, बाकी जो भी काम है सब इन्होंने मुझे ड्यूटी सौंपी हुई है, मैं अपने हिसाब से इसको निभा रहा हूँ और काम चल रहा है। अब तो काम बहुत कम हो गया है, बाकी चाचा जी हमारे पहले से ही, मैं जब से इनको जानता हूँ, जब से समाज से जुड़े हुए हैं, लाइंस कलम नए बाजार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और इन्होंने मौजीराम आई हॉस्पिटल माजरा, माजरा हाँ, ये बत्ता और बत्तापुर, हाँ जी, पल्ला रोड पर है, यहाँ इन्होंने सब भाइयों के सहयोग से और नए बाजार के काफी उसमें तस्की बने हुए हैं, काफी इन्होंने भी योगदान दे रखा है, उससे ये काफी जुड़े हुए हैं। वहाँ हमारे 8-10 ऑपरेशन रोजाना होते हैं और फ्री होते हैं आके। हाँ जी, हाँ जी, इनका भी काफी योगदान, हाँ जी, इनका बहुत ज्यादा योगदान है। हाँ जी, एक ये एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद जो कि RSS की एक यूनिट है, उसकी इकाई है, उनके बच्चे गांवों में स्कूल चल रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा था इन स्कूलों को 1 लाख करिए, आज ये 60,000 स्कूल पूरे देश में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, और ये हमारे चाचा जी पदम, चाचा जी पदमचंद गुप्ता जी बहुत ही समाज सेवी हैं, धर्म सेवी हैं, व्यापार तो उन्होंने बहुत कम कर दिया है, ये लोगों को अपने प्रति और ये स्कूलों के प्रति, एकल विद्यालय के प्रति, लाइंस क्लब के प्रति, एक हमारा राजस्थान मिलेनियम क्लब है जो राजस्थान से जो दिल्ली में फैमिली आई हुई अपना व्यापार कर रही है, उनका एक संगठन जो है उन्होंने बना रखा है। आज 400 फैमिलियों से हम इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत, और उनके सारे ही जिन बच्चों के बायोडाटा आते हैं, शादी संबंध भी हम जस्ट, हमारा कोई चार्ज नहीं है, हम सहयोग करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी भाई का काम जो हमारे शरीर से निशुल्क जो हो जाए, हम इसके लिए हमने शुरू कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, आपने भी जो कर रखा है उसी पर पार्टी पे हम भी चले हुए हैं और हम भी कर रहे हैं सर। ये असुराय का जो परिचित है, असुराय, हाँ, ये तो हमारे बहुत पुरानी परिचित है, मैं 10 साल से इंदर को जानता हूँ नए बाजार में, और अपने सचिन जी इनके भाई हैं, उनको भी जानते हैं, बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। अच्छा रहेगा मतलब? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा सिंगल साहब, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे साहब। राधे राधे, राधे राधे।